आशिक साहब आशिक साहब से इस्तेमाल करता हूँ, बोया और सब लोग के चारों साल पेश करते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। सामईन इकराम, पहले गुजारिश करूँ कि आप जितने मौजूद हैं और इस पैगाम को कम अज़ कम एक बंदे तक ज़रूर पहुँचाएँ। बैरून मुल्क किसी की मौत हो जाती है, उस ख़ानदान का उसी को पता होता है कि उस पर क्या गुजरती है। कोई बंदा जो है वो ना पोस्ट लगाए जब तक उस घर से कोई पोस्ट ना लगे और बैरून मुल्क अपने अजीज़ों अकारब को मना कर दें, क्योंकि ये जिस पर बीतती है उसको पता होता है। समय क्राम इंतहाई दुख और अफसोस का मुकाम है। ये मास्टर मुख्तार, इनकी ज़िंदगी जो थी हमाजेत ज़िंदगी थी, इसलिए कि ये एक साइंस टीचर थे। इनकी पहली पोस्टिंग जो होती है वो मंजवाल गर्ल्स मिडिल स्कूल में होती है, और पहली दफ़ा वह जब स्कूल से वापस आते तो मैं एक मज़मून लिख रहा था, इतने में दरमियान में रुकावट आई और वो अभी तक के तकमील तक है। हमारे यहाँ एक होटल है मलक रफीक साहब, चाय का होटल उनका था। वो वहाँ जो भी फारग होता वहाँ आकर बैठ जाता, चाय पीता। इतने में तीन असातिज़ा, उनमें दो एक अरबी टीचर थे यूसुफ साहब और एक और साइंस टीचर और एक मुख्तार साहब, होटल में पहुंचते हैं और उनके मुंह से जो बात निकलती है, मामा मैं आपको तलाश कर रहा था, वहाँ एक मसला था। और वो मुझे मामा इसलिए कहते थे कि उनकी वालदा हमारी बहन थी, चौधरी रजाक साहब के वालदे ग्रामी चौधरी नेक मोहम्मद आमिर, हम उन्हें मामा नेक मोहम्मद कहते थे, इसलिए कि मेरी वालदा भी डेरी साहब जादिया की, तो इस तरह हमारी रिश्तेदारी भी थी। लेकिन इस हवाला से और गुर्बत थी कि ये मुख्तार साहब उसी रिश्ते को लेकर आगे चल रहे थे, और आज तक जब भी मुलाकात होती तो मामा कहकर पुकारते। और जो मैं बात करना चाहता हूँ कि उनकी वो साहिब इलम थे, इसलिए कि उनकी गुफ्तगू का मरकज और मैवर जो है वो इलम रहता था। जब उनसे बात होती तो वो किसी ना किसी हवाला से कोई इल्मी नुक्ता उसमें बात होती, और बिलखसूस अभी जब छोटे अजीज भाई उनके फोत हुए, एक्सीडेंट में फोत हुए, हर बंदा जो है हर आँख खचकबार थी। मैं मतदर बार उनके घर आया तो जो गुफ्तगू वो करते थे उस गुफ्तगू में इल्मी नुक्ता होता। और दूसरा, चूँकि वक्त नहीं है, दूसरी बात ये थी कि सोशल वेलफेयर के कामों में वो ऐसे हिस्सादार थे कि उसमें रियाकारी नहीं थी। क्योंकि अमूमन हमारे यहाँ ये होता है कि हम फेसबुक पे ज़रूर उसको डालते हैं, लेकिन वो काम करते थे। लेकिन एक उन्होंने मुझे एक डिस्कस किया मामला, जो
डॉक्टर अहमद रजा हॉस्पिटल बना रहे हैं, उस हवाले से उन्होंने इतनी गुफ्तगु की के बंदा सोच नहीं सकता कि अब काम वो जो डॉक्टर अहमद रजा कर रहे हैं, वेलफेयर का उनका अरादा है, इंतिया है, लेकिन वो उस पर अर्क रेजी से बातें कर रहे थे, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो इस तरह यानी सोशल वेलफेयर के कामों में यहाँ सारी तफसीलात जो है वो नहीं बयान की जा सकती। उनका जो अंदर का निशान था वो ये था कि जब बंदे के पास कुछ हो तो फिर उसे लोगों तक पहुँचाना चाहिए, लोगों की मुश्किल। हज़रत गिरामी, उससे पहले इस्तिबला प्रोफेसर अब्दुल्ला ताहिर साहब ने जो खिताब किया है ये बात याद रखें, जिस घर से जनाजा निकलता है उसे कदर होती है जनाजा, क्या ये बात है? भाई ने कहा कि दो जनाजे, लेकिन एक वक्त था इधर इनके बाप का भी विसाल हुआ उधर मामू का भी विसाल हुआ, ये बात याद रखें। लेकिन यहाँ जो जगह वसी है इसे जनाजा गाह कहा गया। क्या कहा गया? जिसने भी अल्लाह के सोचो करें इस जुमले पर, जिसने भी खुदा की रजा के लिए ये जगह दी है, वक्फ की है, वो इंशाल्लाह अजर से खाली नहीं है। उर्चीवला मास्टर साहब ने ये जो पैगाम दिया ना अब्दुल्ला साहब ने, ये सच्ची बात है, ये बात याद रखें। मास्टर मुख्तार साहब की शख्सियत से हर आदमी वाकुफ नहीं है। मेरा जो करीबी रिश्ता भी है, जब भाई का विसाल हुआ नासर राय का, तो अब दानू भाई आए तो मैं कब्र के करीब सुबह साईं साहब के मज़ार पर फातिहा खवानी इधर भी आ गया हूँ, तो पता चला कि मास्टर साहब आ रहे हैं। मैंने पूछा कि कहाँ से है? जी संगम गाना से। जब आए तो बहनों को देखा आंसू जारी थे, तो किबला मास्टर साहब ने पैगाम दिया, अपनी बहनों को सीने के साथ लगाया, कहने लगे कि हम जो है पाँच भाई हैं, एक चला गया, लेकिन वो भी है जिनका ना भाई है ना बहन है। ये देखो कितना कमाल है, इसलिए कि सब्र का दस दिया है। आज इस मकाम पर जिस मकाम पर खड़े हैं, किबला मास्टर साहब ने यहाँ जनाजे गाह की अदायगी के लिए 40,000 रुपया दिया और अंदर से ये पैगाम दिया कि आप काम जारी रखें, इंशाल्लाह इसमें इजाफा ही होगा, इसमें कमी नहीं आएगी, ताकि जनाजे की अदायगी में किसी की तरफ से आवाज ना आए, ये जनाजे के आदाब के खिलाफ है। सारे हजरात किसी हो जाए अल्लाह की रजा के लिए, इंशाल्लाह जनाजे का वक्त हो गया है, आपने जो भी अल्लाह की रजा के लिए दिया है या देंगे इंशाल्लाह इसमें कोई कमी नहीं होगी। और मेरे भाई यहाँ निसार आजम साहब, अल्लाह आपको सलामती अता फरमाए, बहुत अच्छी बात है, अल्लाह की रजा के लिए आप काम करते हैं, दुआ करें कि अल्लाह पेशावर ना बनाए। और इस मुकाम पर जामिया मस्जिद हाजा के हकीम अलामा नदीम सुल्तानी साहब ये इंशाल्लाह जनाजा पढ़ाएंगे। और मैं अहबाब से गुजारिश करना चाहता हूँ, सारे अहबाब इज्जत के साथ अदब के साथ पीछे हो जाएं और अपनी सफ़ें मुकम्मल करें। ये मौके हर एक को नसीब नहीं होते, आप खुश नसीब हैं, मुकद्दर वाले कि जनाजे की अदायगी के लिए आए हैं, इंशाल्लाह ये कदम हमारे कबूल होंगे। वक्त रुका है, जूते आपने उतारे, पांव के दरमियान रखें, दरा भी फरिश्ता भाई भी फरिश्ता, खुदा की रहमत हासिल होती है। और ये बात याद रखें, नियत को समाज फरमाएं, क्या तकबीर नमाज जनाजा फर्ज कफाया सलाम वास्ते अल्लाह तबारक व तआला के दुरूद वास्ते पैगंबर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम के दुआ वास्ते हाजिर सुन्नत के पीछे इमाम साहब के मुतरफ क़िबला शरीफ आफिसा जनाजा पढ़ाएंगे। गुनाहगारों की पड़ेगी नमाज जनाजा को नबी साहिब के वसीला या दहर से अपनी बारगाह में शर्फ़े कबूलियत अता फरमा। शुरकाए नमाज जनाजा ने बड़ी मोहब्बत और प्यार के साथ सूरह फातिहा सूरह इखलास दुरूद पाक का विर्द किया। उलमाए किराम ने बड़ी प्यारी गुफ्तगू की, या अल्लाह तुझे तेरे नबी का वास्ता हम गुनाहगारों की तरफ से इस सही को हुजूर के वसीला से अपनी बारगाह में शर्फे कबूलियत अता फरमा। मौला पढ़ने में पढ़ाने में सुनने में सुनाने में कोई भी गलती कोताही सुस्ती लग्ज़िश है, नबी पाक के वसीला से मौला तुझसे माफी चाहते हैं, बारे ला मुआफ फरमा। इस सब का सवाब हदीयतन तोहफतन नबी मेहरबान जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बारगाह में हदीयतन तोहफतन पेश करते हैं कबूल।
कबूल मंजूर फरमा। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सारी मरहूमा उम्मत जमील मोमिनीन वल मोमिनात सबको फर्दन फर्दन इसाले सवाब करते हैं कबूल मंजूर फरमा। खुसूसन बिल खुसूस नबी पाक साहिबुल औलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला या घर से मास्टर साहब की रूह को इसाले सवाब करते हैं कबूल मंजूर फरमा। करीम औला करम फरमा इनकी कब्र में आने वाली मुश्किल मनासिल को आसान फरमा। इन्हें कब्र के अंदर सोने मदनी करीम की बार बार जियारत बेजान और शफात नसीब फरमा। बाहू में से बाग बना मौला इनके पूरे खानदान को लोहेगीर को इस सदमे में सब्र जमील और बदले में अजर अजीम अता फरमा। मौला इतनी बड़ी तादाद में शुरकाए नमाज जनाजा मौजूद है, मौला इनमें जो तेरा नेक बंदा है उसका वसीला हमारी दुआओं को मास्टर साहब और इनके पूरे खानदान के अफराद जो इस दुनिया से पर्दा फरमा के उनके हक में शर्फ कबूलियत अता फरमा। सबके गुनाहों को माफ फरमा। अफ़कुन खताया हयातुन नबी तफ़अम बलाया हयातुन नबी तकिया न दारुम बगैर खुदा वसीला न दारुम बजुज मुस्तफा बिरहमतिक या अरहम। चेहरा देखते हैं और उनका नशीब के जा रहे जा रहे जा रहे और बसपुरों का ख्याल रखें। जनूब की तरफ से आए करना पड़ता है और शिमाल की तरफ जाए बिछड़ा कुछ सदा से कि उसे बदल गई एक शख्स सारा शहर के वरान कर दिया दबा वह अल्लाह तबारक व मौस्त में मुख्तार साहब को जन्नत का मकाम अता फरमाए। परमेश्वर के बीच जहर के फला हे محمد سرور صلی اللہ علیہ ترگن دلدار دلاد وطن چکو مہارا नजरिया कंड दी जदिया पड़ मोहम्मद सरवर सल्लल्लाहु यार मोहब्बत वाले लग नाले हासे अदिल नन लगदा यार मोहम्मद ते जाए के पासे पड़ला इलाहा मोहम्मद सरम सल्ले आला असी किसा दे कुछ नहीं लगे दे कैसा सोहना ए नाम रसूल अल्लाह ते पाई पया दे दर्द बढ़ावर ते पाई पया दिया बाबा बाप सिरात ताज मुहम्मद ते मावा ठंडिया छावा सरे